हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल टुडे वी आर डिस्कसिंग वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए होता है इम्पॉर्टेंट uh, अगर आप अभी अपने कोर्सेज कर रहे हैं आप अभी भी कॉलेज में हैं तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं आपके कोर्सेज फिनिश हो चुके हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू राइट सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ टू यानी कि आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दो के बारे में डिस्कशन करेंगे सो so, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला लेक्चर सबसे पहले जो सबसे बड़ा टॉपिक या सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि ठीक है नेशनल भी पता है हमें कि राष्ट्रीय फ्रेमवर्क भी पता है कि कुछ एक ऐसा ढांचा बेसिकली ठीक है और करिकुलम क्या है तो सवाल यहाँ करिकुलम का उठता है करिकुलम अगर हम बात करें तो हम जब भी हम करिकुलम के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि सब्जेक्ट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं जो सिलेबस हमारे पास होता है वो करिकुलम है जी हाँ वो भी करिकुलम है लेकिन और भी बहुत सारी चीजें करिकुलम में शामिल होती हैं, जैसे कि यहाँ आपके सामने एक डेफिनेशन दी गई है पी सैमुल के द्वारा और ये करिकुलम को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करता है ये कहते हैं कि करिकुलम एक टोटल सम ऑफ एक्सपीरियंसेस है यानी कि जितनी भी गतिविधियां एक स्टूडेंट स्कूल के दौरान करता है अपनी क्लासरूम में करता है खेलकूद में प्लेग्राउंड में करता है लाइब्रेरी में करता है लैबोरेटरी में, में करता है अपने टीचर के साथ इंटरैक्ट करने में करता है अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में इंटरैक्ट करता है ये सारा ये सारा का सारा करिकुलम का हिस्सा है तो पी सैम्यूल भी यही कहते हैं कि द करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस कि यानी जो बच्चा जितने भी एक्सपीरियंसेस अपने स्कूल के दौरान करता है स्कूल की गतिविधियों के दौरान करता है वो सारा उसके करिकुलम का हिस्सा है आई होप करिकुलम क्लियर हो गया होगा कि जो भी चीजें एक बच्चा स्कूल में करता है स्कूल की गतिविधियों में शामिल होना हो या स्कूल में जाना हो बातचीत करना हो जो भी कुछ हो वो सारा करिकुलम का हिस्सा होता है ठीक है अब बढ़ते हैं हम एनसीएफ के थ्रू तो एनसीएफ अब से चार बार यानी कि अब से पहले तीन बार और जब 2005 का आया सो चार बार एक्चुअली पेश किया जा चुका है पब्लिश किया जा चुका है बाय एनसीआरटीन 1975 में पहला उसके बाद 1988 में देन 2000 में एंड देन 2005 में और अभी का करंटली ड्राफ्टिंग में है राइट सो सबसे पहले हमारे सामने ये पिक्चर क्लियर है कि चार बार एनसीएफ आया है एनसीआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया है अब ये कौन सी नेशनल पॉलिसी के तहत आया था यह आया था एनपीई 1986 के तहत एनपी 1986 ने ये प्रपोज किया और एक नेशनल स्ट्रक्चर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन यहाँ पर बन गया जिसे हम कहते हैं एन 2005. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अब से चार बार यानी कि अब तक चार बार पब्लिश किया जा चुका है बाय एनसीआरटी पहले 1975 में 1988 में फिर 2000 में और उसके बाद 2005 में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में और उसकी थोड़ी डिटेल्स कि क्या क्या किस तरीके से होगा so, पहले यशपाल कमेटी रिपोर्ट यहाँ पर सबसे सब पहले यशपाल कमेटी का नाम आता है कि जिन्होंने ये बात उठाई कि लर्निंग विदाउट बर्डन कि लर्निंग जो है एक बर्डन की तरह बन चुकी थी बच्चों के ऊपर भारी बैग होना और रोड लर्निंग की तरफ फोकस होना तो यहाँ पर बात की गई यशपाल कमेटी ने कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए नाइनटीन में ये रिपोर्ट आई थी ठीक है कि बच्चों के ऊपर जो लर्निंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस डाल देती है बच्चों को आ, काफी ज्यादा उस उस चीज का बोझ महसूस होता है बच्चे फ्रीली नहीं पढ़ पाते हैं या सीख पाते हैं तो यहाँ यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई लर्निंग विदाउट बर्डन इसके बाद जब ये रिपोर्ट आ गई उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक मीटिंग रखते हैं और उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को दोबारा से तैयार करने की बात करते हैं ठीक है सो प्रोसेस स्टार्ट हो गया और NCF was initiated in November 2004 by setting up various structure. तो ये जो process है NCF 2005 को लाने का ये November 2004 में शुरू हो गया यहाँ पर जो draft था NCF का वो 22 language में translate किया गया जैसे कि हमारे constitution के आठवें schedule में लिखा हुआ है कि हमारी 22 official languages हैं तो उन 22 official languages में हमारा जो draft है वो translate कर दिया गया और हमारे देश के सत्रह स्टेट्स में सत्रह राज्यों में आ, इसका प्रभाव पड़ा वहां का जो सिलेबस है उस पर एनसीएफ का प्रभाव पड़ा ओके उसके बाद एनसीएफ को मंजूरी दे दी गई बाय सीएबी यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन सितंबर 2005 यानी कि सितंबर 2005 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया सो so, ये थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में था साथ में एनसीएफ के अंदर एनसीएफ 2005 के अंदर सारे ही सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं चाहे वो आपके सरकारी हो या प्राइवेट हो या कोई भी राज्य में स्थित क्यों ना हो राइट सो so, अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके ऊपर ये काम करता है सो so, आपके सामने कुछ पांच गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर बेसिकली एनसीएफ काम करता है या एनसीएफ बताता है कि हमें इस चीज पर काम करना चाहिए तो पांच ऐसे परस्पेक्टिव आपके सामने हैं एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे अभी सबसे पहले एनसीएफ कहता है कि जो बच्चों की नॉलेज है उसे किताबों तक ही सीमित ना रखें उसको बच्चे को वो एक्सपीरियंसेस वो बाहर भी कर सके उसकी जो लाइफ बाहर है वो एजुकेशन उसको भी सपोर्ट कर सके तो बच्चे को कुछ ऐसी जानकारी ऐसी नॉलेज हमें यहाँ देनी चाहिए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये कहता है एंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोड मैथर्ड्स रोड मैथर्ड्स यानी कि रटने वाले मैथड्स कि अब तक जो किताबों में लिखा था सिर्फ वही सही था जो किताबों में डेफिनेशन दी सिर्फ वही सही था लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई जो ये रट्टे वाला मेथड है ये खत्म हो जाए और लर्निंग कंस्ट्रक्टिव हो जाए कि बच्चा खुद करके सीखे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे ठीक है और टीचर यहाँ पर किस तरीके का काम करता है कि फैसिलेटर का काम करेगा। हैं की तरफ, लर्निंग जो ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को स्ट्रेस ना हो वो खेल खेल में सीख जाए बेसिकली यहां ये बात की गई फोर्थ पॉइंट क्या कहता है अनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक कि करिकुलम को कुछ ऐसा बनाइए कि वो टेक्स्ट बुक से भी बाहर आकर हम उसकी बात कर सकें जैसे कि अगर हम ईवीएस पढ़ते हैं सो ईवीएस के बारे में हम क्लासरूम से बाहर आए हम टेक्स्ट बुक से बाहर आए हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखें क्योंकि सब कुछ हमारे सामने है हम वही पढ़ रहे हैं जो हम यूज करते हैं तो हमें करिकुलम को कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाए और लर्निंग क्या हो प्लेफुल हो एंजॉयबल हो और स्ट्रेस फ्री हो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड नॉन थ्रेटनिंग क्योंकि से उसको कम करने की बात की गई थी ठीक है ऐसा बनाइए कि वो फ्लेक्सिबल हो ठीक है इस साल में एक ही बार एग्जाम हो रहा है वो भी बच्चे के लिए सही नहीं होता वो उस पर बर्डन डाल देता है तो एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए और नॉन थ्रेटनिंग एग्जाम को बनाइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बिल्डिंग कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी और सम्मान अधिकार होना चाहिए सभी लोगों को इक्वालिटी की जो वैल्यू है वो बच्चों में आनी चाहिए तो ये बेसिक फाइव प्रस्पेक्टिव हमने डिस्कस किए हैं और एक एडिशनल इक्वालिटी की यहाँ पर हमने बात की है राइट आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिन पर एनसीएफ ने बात की है जिसके बारे में एनसीएफ ने हाईलाइट किया है सो so वो देखते हैं क्योंकि वही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सो मेन फीचर्स में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एसोसिएट चाइल्ड नॉलेज विद लोकल नॉलेज यानी कि हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं मान लीजिए हमने कोई भी किताब ले ली और हम वहां से कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे फोटो ही है। है? अब हमने बच्चे को बच्चे को कि पौधा आपको धूप में रखना है उसका फोटोसिंथेसिस होगा वो खुद खाना बनाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ जो आपने फोटोसिंथेसिस क्लास में पढ़ाया है तो आपको वो जो उसको नॉलेज आप दे रहे हैं उसको लोकल नॉलेज से भी क्या ये मैच कीजिए उसको एसोशिएट कीजिए चाहे आप मैप पढ़ा रहे हैं आप जोग्राफी पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसकी लोकल नॉलेज से उसको एसोशिएट कीजिए नेक्स्ट क्या कहते हैं कि प्राइमरी भी कवर्ड इन होम लैंग्वेज एंड अलाउ मल्टीलिंगुअल एक्सप्रेशन ये कहता है कि जो प्राइमरी है वो तो आप होम लैंग्वेज में करा लीजिए यानी कि मदर टंग में करा लीजिए लेकिन बच्चे को मल्टी लैंग्वेज का भी एक्सपोजर मिलना चाहिए कि उसको अलग अलग लैंग्वेजेस का भी ज्ञान मिलना चाहिए तीसरी चीज क्या कहती है लिंकेज बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज सिलेबस अवॉइड ओवरलैपिंग कि जो टॉपिक्स हैं यानी कि ऐसा कुछ टॉपिक्स हम डिसाइड करते हैं कि स्कूल में हो और उसी का जो स्टेजेस है जो लेवल है वो बढ़ते जाए और कॉलेज में भी वो क्या हो कि वही लेवल बरकरार रहे एक ऐसा कुछ लिंक बन जाए और ओवरलैपिंग ना हो कि बार बार सेम ही टॉपिक बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो वो चीज यहाँ पर ना चौथी बात क्या कहते हैं द वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट स्टूडेंट्स टू एनहेंस लर्निंग इस तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट कीजिए कि जहां पर बच्चे हैं साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनके या फिर उनके ओल्डर पीपल हैं वो उनकी मदद कर सके लर्निंग में ठीक है और उसके बाद है नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन मतलब की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बच्चे को इतनी आजादी दीजिए इतना थोड़ा अपॉर्चुनिटीज दीजिए कि बच्चा खुद से करके सीखे अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करे ये नहीं कि हम उस पर कोई नॉलेज थोप दें वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है सिक्स हमारे पास क्या है करिकुलर एरियाज लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस जितने भी हैं उनको स्ट्रेस फ्री बनाइए और इन पर अच्छे तरीके से फोकस कीजिए और इन्हें ऐसा बनाइए कि बच्चा इनको पढ़ते वक्त रिलेट कर पाए इंजॉय कर पाए थर्ड क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज भी कंपलसरी होनी चाहिए सिलेबस के अंदर जैसे कि आर्ट एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन हो गया एजुकेशन फॉर पीस वर्क एंड एजुकेशन जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं यहाँ पर उनको कंपल्सरिली एजुकेशन या सिलेबस में इंक्लूड करना ही होगा ये नहीं कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान ही लेते रहें या सिर्फ हम सब्जेक्ट की नॉलेज लें जी नहीं को करिकुलर एक्टिविटीज भी यहाँ पर इक्वली पार्टिसिपेट होनी चाहिए इक्वली उनको स्थान मिलना चाहिए फिर क्या है फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कि हमें बच्चे के लेवल के अनुसार उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको देना चाहिए मान लीजिए कि कोई बच्चा है एक बच्चा है जो आ, काफी होशियार है अपने बाकी के ग्रुप से सो हमें उसकी क्वालिटी पर उसकी उसकी एजुकेशन पर भी फोकस करना चाहिए ऐसा ना हो कि एक बच्चा वो बोर हो रहा है क्लास में ठीक है तो हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए बच्चों के लेवल के हिसाब से फिर क्या है इम्प्रूवमेंट एंड एग्जामिनेशन सिस्टम जैसे हमने बात की कि एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाइए नॉन थ्रेटनिंग बनाइए कि उसको बच्चों को एग्जाम से डर ना लगे एग्जाम्स का खौफ ना हो उसके बाद क्या है ऑर्गेनाइज दी सीसीई इन कारिकुलम सी सी यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को करिकुलम में जगह दीजिए जो एग्जाम्स हैं वो आपके साल में एक बार ना होकर रेगुलर इंटरवल्स पे एग्जाम हो जिससे बच्चे की जो नॉलेज है उसको भी अच्छे तरीके से परखा जा सके और बच्चों का जो स्कोर है और जो बच्चों का जो डर है एग्जाम को लेकर वो कम किया जा सके नेक्स्ट क्या है कंस्ट्रक्ट फॉर ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट क्योंकि एनसीएफ कहता ही ये है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसके हर एक डेवलपमेंट में करिकुलम का मतलब करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए करिकुलम कुछ ऐसा बनाइए कि बच्चा चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे कोकरिकुलर एक्टिविटीज हो चाहे उसका गेम हो जो भी चीजें होती हैं वो करिकुलम उसको दे इस तरीके का करिकुलम आप बनाए उसके बाद क्या है इंक्लूड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन करिकुलम ये कहता है कि तीन लैंग्वेज का फॉर्मूला रखिए कि पहला एक उसका होम लैंग्वेज होना चाहिए उसका मदर टंग होना चाहिए दूसरा कोई भी एक आ, फॉर एन एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टेक्ट अगर मैं लू तो कोई भी जैसे हमारे स्टेट का कोई लैंग्वेज हो गया या हिंदी हो गया तमिल हो गया इस तरीके की लैंग्वेज जो भी है और उसके बाद कोई भी एक फॉरन लैंग्वेज बच्चा चूज चूज कर सकता है तो यहाँ पर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए अभी एनपीई ट्वेंटी ट्वेंटी में भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर इंफेसिस किया गया है और बच्चों पर किसी भी लैंग्वेज को ना थोपने के लिए कहा गया है बच्चों को फ्रीली अपनी लैंग्वेज खुद से स्वीकार करनी है और खुद से चूज करनी है नेक्स्ट क्या क्या है 13 क्या है पॉइंट क्रिएट एन इंक्लूसिव इस तरीके का तरीके का का बनाइए कि हर बच्चा वहां पर पढ़ सके चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो विद नॉर्मल आईक्यू या फिर वो बच्चा हो जिसको किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी है या वो स्पेशली एबल्ड है सो so, हर तरीके से चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई डिसेबल बच्चा हो नॉर्मल बच्चा हो वो एक इंक्लूसिव एनवायरमेंट में पढ़े इस तरीके का एनवायरमेंट वहां पर होना चाहिए स्कूल में Avoid only informative education, सिर्फ जानकारी देने वाली education को avoid जो बच्चे को हर तरीके की जानकारी देता हो उसको एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता हो उसको अपॉर्चुनिटी देता हो ऐसी एजुकेशन का निर्माण होना चाहिए इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए नेक्स्ट क्या है अवॉइड द पनिशमेंट इन द क्लासरूम पनिशमेंट को जैसे डंडा मारना मारपिटाई करना ये सारी चीजों को अवॉइड कीजिए ये मार पिटाई क्लास में नहीं होनी चाहिए जिससे कि बच्चा डर जाए और वो ड्रॉप आउट रेट ऊपर हो जाते हैं ठीक है तो अवॉइड पनिशमेंट और अलग तरीके निकाले जिससे कि बच्चे की लर्निंग को आप और इम्फेसिस कर सके और बढ़ा सके उसको नेक्स्ट क्या है अनकरेज लर्नर टू चूज एंड रीड द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी जो लर्नर्स है जो स्टूडेंट्स है उनको अनकरेज कीजिए कि वो किताबें लाइब्रेरी से चूज करें और रीडिंग को बढ़ावा दे ठीक है रीडिंग को बढ़ावा देना है बेसिकली लिटरेसी स्किल्स बढ़ानी है। उसके बाद क्या है अनक्रेज दी ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड ग्रुप वर्क फॉर असेसमेंट के जब आप असेसमेंट करते हैं तो ओपन बुक एग्जामिनेशन ले लीजिए एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो ओपन बुक एग्जामिनेशन ले लीजिए या फिर ग्रुप वर्क दीजिए बच्चों को प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स दीजिए जिससे कि बच्चे जो है उनके बीच कोलोबरेशन रहे कम्युनिकेशन अच्छा रहे नेक्स्ट क्या है to बार -बार फोकस ऑन मदर टंग टू गेट एजुकेशन एंड प्रोवाइड करना है और राइट ये इसके मेन फीचर्स थे अब जो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिकली जो एनसीएफ 2005 है वो ट्वेंटी सेंचुरी की जो लर्निंग स्किल्स है उनको बढ़ावा देने की बात करता है जैसे कि क्रिएटिविटी क्रिटिकल uh, थिंकिंग या प्रॉब्लम सोल्विंग कम्युनिकेशन या फिर कोलोबरेशन की बात क्यों ना हो यानी कि बच्चे का एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए आई होप कि आपको ये समझ आया होगा एंड आपने आज के लेक्चर से कुछ जरूर सीखा होगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो लाइक दिस सेशन एंड डू शेयर विद यो सब्सक्राइब आवर चैनल